अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने लिए यो व्हाट्सएप डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अंदर में कैसे आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, एकदम इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मैं सिंपली क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, आप भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। जब क्रोम ब्राउज़र आप ओपन कीजिएगा तो ओपन करने के बाद में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे नज़र आएगा सर्च और टाइप वेब एड्रेस। सिंपली आप इसको में सर्च कर दीजिए, क्या यो व्हाट्सएप डाउनलोड, सिंपली आप ये सर्च कर लीजिए। जैसे आप सर्च करते हैं यो व्हाट्सएप डाउनलोड तो आपको यहाँ पे कई सारे वेबसाइट्स नज़र आएंगे। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है, आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा यो व योसेफ, ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है, यो व योसेफ डॉट कॉम जो है इस वेबसाइट को ओपन करना है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, वैसे आप यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हैं कि हाँ कौन सा वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप ओपन कीजिएगा तो ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन बता देगा कि कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है इसका, ठीक है। जैसे आप इसको स्क्रॉल अप कीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हुए जाइएगा तो आपको नीचे में नजर आएगा, क्या नजर आएगा, यहाँ पे आपको नजर आएगा डाउनलोड यो व्हाट्सएप एंटी बैन वर्जन। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे यो व्हाट्सएप नज़र आ रहा है जो वर्जन होगा वो, सिंपली आप अगर आप बाद में देख रहे हैं तो यहाँ पे वर्जन आपको चेंज नज़र आएगा, तो इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप यो व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिए तो जैसे आप इस डाउनलोड वाले पेज पे आइएगा तो यहाँ पर आकर के आपको नज़र आ जाएगा जो पैकेज है पैकेज। तो पैकेज में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों पैकेज भले ही पैकेज का नेम दूसरा दूसरा है लेकिन है दोनों में एक ही लिंक, एक ही एप्लीकेशन का लिंक है। दोनों में किसी पर भी आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ही एप्लीकेशन डाउनलोड के लिए बताएगा, जो एप्लीकेशन अभी मैं बता रहा हूँ यो व्हाट्सएप ही दोनों में रहेगा और सेम टू सेम, देखिए दोनों का साइज भी सेम टू सेम है। सिंपली आपको करना क्या है, यो व्हाट्सएप सिंपली किसी भी एक लिंक पे क्लिक कीजिए तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद में सिंपली आप क्या कीजिए, डाउनलोड पे क्लिक करके इस यो व्हाट्सएप को आप डाउनलोड कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे पूछेगा, अगर पूछता है कि हाँ इसको आप वाकई में डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आप ओके बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। बट मेरे से पूछ रहा है कि डू यू वॉन्ट टू डाउनलोड अगेन, तो मैं करूँगा ठीक है मुझे डाउनलोड करना है फिर से, क्योंकि मैंने पहले डाउनलोड कर लिया था इसलिए मुझसे पूछ रहा है कि हाँ क्या इसे फिर से तुम डाउनलोड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। सिंपली इसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डाउनलोड पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपको डाउनलोडिंग बता देगा, और जैसे डाउनलोडिंग बताएगा तो यहाँ पे आपको बता देगा ओपन करने के लिए, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन पैनल में भी बता देगा यहाँ पे कि जो भी एप्लीकेशन आपने अभी डाउनलोड किया है। जैसे आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा तो डाउनलोड करने के बाद में आपको नोटिफिकेशन पैनल में भी नजर आ जाएगा, यहाँ से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपन करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बट मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फाइल मैनेजर में, यहाँ पर आकर के मैं आपको इंस्टॉल करना बताऊँगा। सिंपली आप फाइल मैनेजर ओपन कर लीजिए। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद में आपको सिंपली करना क्या है, फोन स्टोरेज में जाना है। जैसे आप फाइल मैनेजर में आइएगा, फाइल मैनेजर में आने के बाद में आपको नजर आएगा डाउनलोड फोल्डर। सिंपली आप डाउनलोड फोल्डर में जाइए, यहाँ पर आकर के आपको जो है, देखिए मैंने दो दो बार डाउनलोड कर लिया इसलिए ये जो है एक रीनेम, मतलब रीनेम होकर के ऑटोमेटिक एक जुड़ चुका है और ये जस्ट पहले थोड़ी देर पहले मैंने डाउनलोड किया था इसको। तो जो एप्लीकेशन आपने जस्ट अभी डाउनलोड किया सिंपली क्या कीजिएगा, उस एप्लीकेशन पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में जो है ये क्या करेगा, अगर कुछ परमिशन के लिए पूछता तो आप परमिशन दे करके इसे आप क्या कीजिएगा, इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अभी मुझे ये बता रहा है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल एन अपडेट टू दिस एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, यानी ये एप्लीकेशन पहले से मैंने इंस्टॉल कर रखा है फिर भी ये पूछ रहा है कि क्या आप उसे अपडेट देना चाहते हैं। कोई भी डेटा जो है वो यहाँ से लॉस्ट नहीं होगा, तो मैं सिंपली करूँगा ठीक है मुझे इंस्टॉल कर लेना। तो इसी तरीके से आप भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट मैं इंस्टॉल करके आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। यो व्हाट्सएप जैसे ही आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद में आपको आना है मेन मेन्यू में, यहाँ पर आकर के आप सिंपली यो व्हाट्सएप ओपन कीजिए। जैसे मैं यहाँ से यो व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद में ये आपसे कुछ एक्सेस कुछ परमिशंस मांगेंगे, फोटोज़ मीडिया एंड फाइल्स उस चीज़ से रिलेटेड। तो आपको करना क्या है, सिंपली अलाउ पे क्लिक करना है। अलाउ करके यहाँ पे ऑप्शंस, दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, एक रीस्टोर का, एक एग्री एंड कंटिन्यू का। तो रजिस्टर आप तब कर सकते हैं जब आपने यो व्हाट्सएप का बैकअप बना रखा है, तो उसे आप इजीली रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ से। अगर नहीं है तो सिंपली आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, और आप यहाँ पर आकर के आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये पूछेगा कि क्या ये नंबर सही है, अगर ये नंबर सही है तो इसको वेरीफाई कीजिए। ओके पे सिंपली आप क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद में ये आपसे पूछेगा कि टू इजीली वेरीफाई योर नंबर, व्हाट्सएप कैन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट योर वेरिफिकेशन कोड इफ़ यू अलाउ व्हाट्सएप टू व्यू एसएमएस मैसेजेस। अगर आप व्हाट्सएप को अलाउ करेंगे मैसेजेस देखने के लिए तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक ये वेरीफाई कर लेगा आपके मैसेजेस को देख करके। तो आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना और अलाउ कर देना, अगर इसी फ़ोन के अंदर में आपका सिम है तो, जिस नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट बनाना चाहते हैं। सिंपली आप अलाउ पे क्लिक कर दीजिए, ये एसएमएस को रीड करेगा। अभी एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ये रीड करेगा।
अभी यहाँ पे देखिए आपको बताया गया रिसेंट SMS इन 14 आवर्स। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऐसा मैसेज ना आए जो अभी बता रहा था 14 घंटे के बाद में आप रिसेंट कर सकते हैं, तो ऐसे इशू ना आए तो उसके लिए आप दिन भर में 1 से 2 बार ही आप क्या कीजिए, लॉग इन कीजिए व्हाट्सएप को किसी दूसरे मोबाइल में जब आप लॉग इन करते हैं उस टाइम पर, वरना ये 14 घंटे के बाद में ही आपका क्या होगा, लॉग इन होगा या फिर क्या होगा, रिसेंट मैसेज भेजे पाएगा, या फिर आप कॉल के जरिए भी कर सकते हैं, बट कॉल का भी एक लिमिट होता है, यानी 2 से 3 बार आप बहुत हो गया, उससे ज़्यादा मत किया कीजिए, यानी बार बार आपने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल किया ऐसे मत किया कीजिए, दिन भर में 3 से ज़्यादा बार, 3 ही बार करना है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा बार नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अभी यहाँ पे आपको बता रहा है टू फाइंड योर बैकअप ऑन गूगल ड्राइव अलाउ व्हाट्सएप एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट, तो मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं अलाउ करना क्योंकि मेरे पास में बैकअप नहीं है, और आप भी मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद में सिंपली आपको नॉट नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद में अगर आपको आपके फ़ोन के अंदर में डिवाइस के अंदर में बैकअप आपको फाउंड करके बताएगा कि हाँ आपके फ़ोन में ये डिवाइस में ये बैकअप है, अगर आप इसको रजिस्टर करना चाहते हो तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो, बट मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से रजिस्टर नहीं करूँगा बल्कि मैं स्किप करूँगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कोई भी बैकअप, सिंपली स्किप रजिस्टर पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं स्किप कर दूँगा। उसके बाद में यहाँ पर आपसे नाम पूछेगा, तो आप अपना नेम यहाँ पर एंटर कर दीजिए, जैसे आप अपना नेम यहाँ पे एंटर कर देते हैं वैसे आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये इनिशियलाइज होगा, उसके बाद में ये आपको डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देगा व्हाट्सएप में। यहाँ पर आने के बाद में आपको एक पॉपअप आएगा कि दिस ऐप इज़ फ्री एंड डज नॉट कॉस्ट एनी मनी, इसके अंदर में ये जो एप्लीकेशन है इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जी हाँ ये बता रहा है कि इस ऐप के साथ में ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली करना क्या है, ओके बटन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आपको बताया गया यहाँ पे चेंज लॉग, यानी जिस भी वर्जन में जो भी चेंजेस हुए हैं वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, सिंपली क्लोज बटन पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पे आइएगा तो आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा, अगर ऐसा इंटरफेस आता है इसका मतलब ये है कि आपने इसको कॉन्टैक्ट्स का परमिशन नहीं दिया है, इस वजह से इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सेटिंग का आइकन नजर आ रहा है, सिंपली आप सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए, अगर ऐसा आता है तो सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पे देखना है परमिशंस, सिंपली आप परमिशंस के अंदर में आइए, यहाँ पर आने के बाद में आपको नजर आएगा कॉन्टैक्ट, सिंपली आप कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे इसको अलाउ कर दीजिए और यहाँ से बैक कीजिए तो आपको जो है यहाँ पे नॉर्मली इस तरीके का इंटरफेस आने लगेगा। अब यहाँ से आप डायरेक्टली प्लस के बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप चैटिंग शुरू कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स होंगे सारे के सारे स्कैन होंगे, यानी कुछ देर के बाद में यहाँ पे सारे अपलोड्स हो जाएंगे कॉन्टैक्ट्स, उसको आप उसके साथ में चैटिंग शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यो व्हाट्सएप पे, और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगे, जैसे चैट्स, ग्रुप्स, स्टेटस, कॉल्स, इस तरीके से सारे चीज़ें जो आपको नजर आने वाले हैं। जैसे चैट्स में मैंने किसी से चैट शुरू नहीं किया इसलिए नहीं बता रहा, ग्रुप्स में जो भी ग्रुप में मैं एडेड हूँ वो यहाँ पे मुझे नजर आ जाएगा, स्टेटस में जो भी स्टेटस कोई डालेंगे तो वो नजर आ जाएगा, कॉल्स में जो भी कॉल्स होंगे वो नजर आने वाला है सारे के सारे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और हाँ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।